नहीं होगा। अब तो आराम से बैठेंगे हम, तो मम्मा खेलेंगे। मेरे बाबू को ना एलर्जी सी हो गई, रंग लगाते खुजली होने लगी। फिर मैंने तो ये बन रहे दाल बड़े, क्या चने की दाल बड़े, ये चने की दाल के बनाए, मूंग की नहीं। हेलो गुड मॉर्निंग, मैं अपने ससुराल आ गई हूँ। काम करती हुई महिलाएं दिखती, क्या ऊपर वो धो लिए कपड़े भाभी? ये अभी मेरे वहां थी, अब आके यहाँ काम करा रही है। और आज है छोटी होली और मैं आ गई हूँ अपने घर होली मनाने के लिए। हम सब ना एक साथ ही थे घर में, वहाँ मैंने ना फोन से शूट नहीं किया। अरे तेरे तो बाल भी उग गए, टक लगा हुआ तू, तेरे तो सर पे बाल है भाई। और तुम्हारी पिचकारी आएगी, तुम्हारी पिचकारी आएगी, तेरे चाचा आ गई नहीं आएगी? हाँ आएगी, मैंने कहा तो लेने जाएंगे। ओ गाइस कैसे हो, क्या मतलब बढ़िया है, आप कैसे हो गाइस? इस कुकर में क्या चढ़ा रखा तुमने? चल ऊपर चल ले जिम में, छत पे निकल जा, जिम में मत जाओ। क्या कह रही हो, बाद में चलेंगे। कुकर में क्या बनाया तुमने? अच्छा व्रत ना मैंने रखा नहीं, अब इनकी सासू माँ को पता नहीं है मैंने व्रत नहीं रखा, वरना मेरे साथ गाली गलौज करेंगी। अरे ये दोनों बहुत हैं व्रत रखने के लिए। ऐ सुखा देना पहले पापा को चाय दो। चलो दो छत पे जा रहे हैं खेलने देने। बाबू कहाँ? राघव, राघव किसके पास है? नीचे, वो आतंकवादी नीचे। दोपहर के 2 बज गए और हम जीने पे तैयार होके बैठे हैं होली पूजने के लिए। अब हम जाएंगे होली पूजने, और यहाँ थोड़ा अंधेरा अंधेरा सारा, इधर आपको कोई बात नहीं, अब उजाले में सही दिखाई दे रहा है। अपनी दादी के पास खड़ा है मेरा बाबू भी, मैं थोड़ी देर पहले सो ही रही थी, अभी उठी हूँ। बाबू कैसे ले जा रहा है? ये हमारा किट तो है। नहीं वो ले रखा उसने, वो जो उसी का पट्टा है। हम जा रहे हैं होली पूजन के लिए, जो कि जगह जगह पर लोगों ने ही लगाई होती है, और वहीं हम हर साल इस तरीके से होली की पूजा करते हैं। योगा कौन? ओए पूरे फोन ही नचा दिए तूने तो, मजा नहीं। हम आ गए अपनी रसोई में होली पूज के, और कल है खेलने वाली होली। इनके लिए मैं लाई हूँ डार्क हरा रंग, जो बिल्कुल काला कर दूंगी। इनके लिए पक्का गहरा जामनी रंग लाई हूँ, जो इनके दांतों पे होगा वो हरे रंग का कोलगेट, और पक्का जामनी हरा कलर। मैं इनके लिए लाई हूँ काला। कुछ नहीं कह रही, झूठ कह रही है। हम कुछ नहीं लाए, हम गाय का गोबर लाए हैं, वो पानी में डाल के उसे घोल के उनके ऊपर डाल। जी जी वो मैं डाल। पहले तो गाय का गोबर, गोबर शुद्ध रहता है, मैं स्नान करूंगी ना। लाया गाय का मूत्र से मिला देना मुझे। नहीं गोबर में मूत्र में घोल लेंगे ना सर। गोबर को मूत्र में घोल लेना, बदबू आएगी, पर यह है कि शरीर स्वच्छ हो जाएगा। गोबर में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं? अभी नहीं पड़े, गोबर में तो बहुत कीड़े पड़े मोटे रहते हैं। हाँ यही मैं सोच रही थी, तो कहने लगा एक वीडियो पे कि गोबर से इसलिए लेप होता था पहले के जमाने में, ताकि कीड़े मकोड़े ना आए। हैं
कीड़े में पड़े मतलब ताजी ताजी गोबर में कीड़े नहीं रहते, और जब बासी गोबर हो गया ना उसमें कीड़े हो जाते। कहने ही उसने कहा कि कभी नहीं पड़ते, मैंने कहा मोटे मोटे तो मैंने देखे नहीं, वो सड़ इकट्ठा हो जाता है ना तो उसमें कीड़े हो जाते। हो सकता है फिर उसे उतना पता नहीं होगा, वैसे शुद्ध होता है पर उसमें कीड़े हो जाते घरों में गाँव में गोबर का ही तो चोकर लगाते। हाँ कहने लगा इसलिए कि कीड़े मकोड़े नहीं आए। हाँ इसलिए लगाते साफ सफाई रहती है। अच्छा हाँ शुद्ध रहता है ना इसलिए। अब क्या प्लान है आगे तुम्हारा? अब मैं धोती उतार कर चाय बनाऊँ, चाय पीऊँ। ना तुम्हारा ब्रश आया ना हमारा कोलगेट साबुन, 10 रुपए का साबुन मंगाना पड़ेगा। तो तुम दूसरा निकाल लियो ना, दूसरा दे देना तुम मुझे, लाइफ बॉय दे देना तुम मुझे, तो मैं यही धर दूंगी तुम्हारा, तुम बाद में यूज कर लेना। धर दूंगी ना, ये मैं सीख गई हूँ इनकी भाषा में से, मैं ऐसे बोलती हूँ रख दूंगी। अब मुझे कुछ कुछ तुम्हारी बोलती हूँ, अब मैं साबुन नहीं लगाती, साबुन से कुछ नहीं होता, पर हाथ पांव तो धोने पड़ते हैं। हाँ फिर ना ये है कि कुछ कुछ चीजों में साबुन जरूरी लगता है, पर जो है ना जैसे मेरी शादी इन्होंने चढ़ाई, शादी पे इन्होंने ना चढ़ाई इनकी इन, हाँ भूल गई बताओ, गोद भराई पे, गोद भराई पे इनकी शादी में हमने ये साड़ी ली थी। क्या बात करी, मेरी शादी में ली थी तुमने? हाँ बहुत आज तो हमने 10-12 साल पुरानी याद है ताजा कर ली, तो कितने हो गए, 2013 में हुई थी, 23 मतलब 11 साल हो गए मेरी शादी को, और मेरी सगाई 2 साल पहले हुई थी। तो इस देखो, देखो मुझे मिलोज का एक चीज दिखाऊं, कोई और साड़ी का ब्लाउज क्योंकि इसका आया ही नहीं और मेरे को ये पहननी थी, तो दिखाऊं तो मैं तो पूरी ढक लेती हूँ, यहाँ तो घूंघट चलता है तो, और पहननी 10 मिनट, ऐसा कोई शादी पार्टी में भी नहीं जा रहा, ये लो कहीं से दिख ही नहीं रहा है कि बहुरिया ने दूसरा ब्लाउज पहन रखा है, और बैक में दिख रहा है पता नहीं दिख रहा है या नहीं, बैक में भी नहीं दिख रहा कुछ, जैसे ये है ना जा रही है, देखो बैग ढकी हुई है, वैसे ही मेरी बैग ढकी हुई है। अब हमारे घर में शाम हो गई है, हमारे घर में भी पूरे इंडिया में शाम हो गई है, और भाभी बना रही है हलवा। बेतु भी बातें कर देती हूँ मैं कभी कभी फोन ऑन होते ही। तो आज है छोटी होली, और छोटी होली हमारे यहाँ पूजी जाती है जैसा आपने अभी देखा, और शाम को खाना तैयार हो रहा है जिसमें भाभी ने अभी हलवा बनाया है, और चावल भी बन गए हैं, और हमारे यहाँ बन रहे हैं छोले पूड़ी। तो ये ना भटूरे नहीं, बच्चों को भटूरे पसंद है, पर भटूरे बनाने में बहुत टाइम लगता है, और सारे भूखे हमारे ना एक साथ ही बैठ जाते हैं कि मुझे वो मिलेगा खाने को। बाबू कहाँ है? बाबू को दिखाती हूँ, बाबू मेरा बाहर गली में ट्रैक्टर पे देखो उसे, ट्रैक्टर में, और ये जिम का बैनर लगा के मुझे ट्रैक्टर में ही चलाना है, बाबू को ट्रैक्टर चलाएगा। पूड़ी किधर बनाओगी? पूड़ी किधर बनाओगी, ऊपर या नीचे? बाबू दे देंगे, बाबू रुक जा लग गई नहीं, ना मुझे ये तो मेरे इतना बुरा काट रखा है ना इनके, मेरे पूरी खा ली जाएगी, मुझे इतना डर लगता है इस चीज में, जिसने मैंने वो ला रखा वो लंबा सा तुमने तो दिया था अभी मुझे, फिर माया खाए सब्जी बना रही है मेरी बीच वाली जेठानी, तू की ढीला सा हो रहा है इन्होंने कहाँ रखी है, कहाँ भाभी कौन सा कमरा है? फ्रिज वाला तो इसमें हमने सफेद बाल्टी, अच्छा ये रखी। गुजिया मट्ठी ना सबके घरों से बहुत आ गई है, ओथली आती है ना हमारे यहाँ, गुजिया चाहिए मट्ठी चाहिए, ये नीचे वाली तुमने बनाई है? पूछिए बड़ी मम्मी से, हमारे घर से भी आई है ना बहुत सारी, और इन्होंने भी बनाई है, तो मुझे बस ये देखना है कि कौन सी ज्यादा टेस्टी बनी है। तेरी नानी ने। ये वाली हाँ। ये सही बनी है, इस बार खराब बनी है, मैं खाई नहीं है, मैं एक खा के देखूँ जरा, क्योंकि मैंने अपने यहाँ की खाई थी, एक पता नहीं कैसी खोखली सी निकल गई थी मेरी, तो इसमें भी कुछ नहीं भर रखा, पता नहीं कैसा खोया भरा है, मैंने मम्मी को कहा था कि वो डाल देती ज्यादा, क्या बोलते हो उसमें यहाँ
सूजी वगैरह तो ज्यादा अच्छी लगती है खाने की। पंखा बंद करू, लाइट बंद करू, यहाँ तो ऐसे ही टाइम पास हो जाता है। मेरा ससुराल में इधर से उधर भागते। मेरी मम्मी ने सही नहीं बना रखी गुजिया। मम्मी देख सारी खोखली है। मम्मी मेरी वीडियो देखती है वैसे। मेहनत तो बहुत करी है, पर इसमें ना मैंने कहा था कि इसमें ज्यादा ना मम्मी को वो बनना चाहिए था, पर ये तो पिघल के कुछ भी नहीं उन्होंने ना खोआ भर दिया होगा। नहीं, 2 किलो तो खोआ बता रही है, 2 किलो बूरा और 3 सूजी और गोला। बस पता नहीं क्या क्या बता रही, पर अंदर उबाल लिया है, खा भी रहे हैं और कहते हैं नाम भी रख रहे हैं। मोटी सूजी का सही बनता, पतली सूजी का सही बना। तुम्हें कभी लगता था तुम ऐसे काम कर पाओगी घर के? जब तुम छोटी थी तो तुम अपने बच्चों को हलवा पूड़ी बना के दोगी, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं था भाभी की मैं कभी ऐसे काम। पहले गुजिया खा लूं फिर बात बनाऊंगी, तो मुझे कभी नहीं लगता था मैं ऐसे काम कर पाऊंगी, पकवान दूंगी बना बना के। तो सब कर रही हूं। अब तो जब पढ़ती है खुद पे तो आदमी करता ही है सारे काम, तो सभी करते हैं। वो मुझे कई सालों तक तो खाना ही नहीं बनाना आता था, पकवान तो दूर की बात है, यहाँ आके भी नहीं आता था। वो तो मुझे किस्मत से 2 अच्छी जेठानियाँ मिल गई जिन्होंने भार कार्यभार संभाल रखा था, अदरवाइज तो गाली खा के फिर मेरे को सीखनी पड़ती थी, क्योंकि तीज त्योहार पे तो बहू पे ही डिपेंड हो जाता है ना। हमारी इंडियन फैमिली ऐसा तीज त्योहार आई बहू पे आस लगा लेते सारा बना। देखियो मम्मी हाथ कैसे हो गए, कहाँ से आया थी? मैं बैनर सील के हाथ धो ले की कितने सूज कैसे रहा, सूज सा रहा है ये वाला, सूज रहा ये नहीं सूज रहा, ये उंगली सूज रही है लग रहा। चल जल्दी से, ये करता है खाता है ऐसे बोलती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कहाँ से आया तू पढ़ा है। अब भाभी का टाइम हो गया है गाय का दूध निकालने का, भाभी जा रही है, कह रही है पूरा बार साफ करेगी। मैं दिखाऊ, मैं जाऊंगी इनके पीछे पीछे, मैं घर में बोरियत क्या करूंगी। तू बाबू अपनी चप्पल पहन के बाहर बैठ जाना, तुझे देखना होगा मोबाइल है ना। चल गाय का दूध निकाल के आते। चल मैं दूध निकालने वहां गई नहीं क्योंकि वहां बहुत अंधेरा रहता है और मेरे पैर में पता नहीं क्या चोट सी लग गई है। अब मैं जा रही छत पे और वहां मेरी पीछ वाली जेठानी थोड़ी मेहनत कर रही है। अभी तक पूजा किसी ने नहीं करी तो मैं ही कर लेती हूँ, मैं सोच रही हूँ अभी करती हूँ। और बच्चे चले गए जिम में। भाभी क्या कर रही हो अकेली अकेली? दिखाओ कैसी सब्जी बनाई है तुमने। तो यहाँ ये सब्जी बनाने में बिजी थी इंडक्शन में, फ्री के काम सारे करती हो तुम, है ना, गैस बचाने के। अरे साईं बाबा तुम्हारी छोटी बहन ने बना लिया नीचे हलवा, पता है तुम्हें? ओ सॉरी बड़ी बहन ने, हाँ मैं भूल गई, चावल बना के भेजती है। हाँ हमने देख लिया, राइस राइस बताओगी बिल्कुल अंग्रेज बनोगी। एक तो पैर में पता नहीं भाभी क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि कुछ कटा कटा सा। इतना नमक किसमें डाल रही हो? हाँ पूड़ी में तो सही लगता है थोड़ा, चलो आटा गूंदो। हाँ तो हाँ नीचे ही सही है। दूसरी बात यह है बढ़िया है, मेरी यहाँ छुट्टी है, इन्हें थोड़ा सा कर रहा है ऐसा। मैंने छुट्टी नहीं करी, मैंने 2 बार बर्तन मांज दिए, इन्होंने इतने ढेर लगा दिए, फिर मुझे इन पे तरस आ गया कितनी बार मांजेगा एक आदमी, क्योंकि हमारी तो जॉइंट फैमिली है। थोड़ी देर में गिलास, थोड़ी देर में कटोरी, और पूरी बर्तन की जो सिंक है वो भरी रहती है। लेकिन मैं बड़े बड़े काम करने से बच जाती हूँ, जैसे पूड़ी बनाना सब्जी बनाना, तो मेरी 2 प्यारी जेठानियाँ हैं जो बना देती हैं। अब माँ के भी, माँ मेरे यहाँ आती है ये काम करवाती है, मैं कहती हूँ यहाँ तुम मत किया करो, यहाँ तुम मौज लो, मैं जब तुम्हारे यहाँ मौज लेती हूँ तो तुम मेरे यहाँ मौज लो। अरे और कितना खाओ खिलाओगे? वैसे ही डॉक्टर ने मुझे बोला है कि वेट लूज करो, ये मेरा वेट, ये इनके खाने से ही ना मुझे वेट मेरा बढ़ जाता है। ऐसा खाना मतलब बना हुआ मिलता है तो मैं 1-2 रोटी ज़्यादा ही खा लेती हूँ, बार बार खा लेती हूँ। और नवरात्र में तो 9 दिन का पूरा कर लेती हूँ, जैसे व्रत रखूँगी। इतना क्यों चिल्लाते हैं? मेरे को ना घबराहट होने लगती है, बच्चे जाते हैं ना कहीं भी ऐसा शोर मचाते हैं कि बैठे बैठे घबराहट होने लगती है। छोलों को घुमाना ही ऐसे ही रहने दो, घुमा दूँ करंट तो नहीं मारता है।
मुझे तो भाभी डर सा लगता है इनमें। अच्छा ये तुमने ये वाले भी मिक्स कर दिए चने और छोले, वैसे ऐसा क्यों करती हो? सासू माँ कहती है। चलो कोई बात नहीं, घुमा दिया मैंने, लगी नहीं है सब्जी। और भाभी तुम खोल लो सबसे पहले व्रत, मैं पूरी सेक देती हूँ या तो, क्योंकि तुम्हारा व्रत है ना। आज ना मौसम थोड़ा सही सा हो रहा है, आसमान का नज़ारा दिखाती हूँ कैसा लग रहा है हमारे यहाँ का। मैं ना बहुत दिनों बाद शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा पता नहीं कुछ कुछ ऐसा काम हो रहा था कि क्या हो रहा था। देखो आसमान कैसा है ना, कैसा लगता है पास से देखो तो ऐसा लगता है कितने काले बादल, पहली बार होली पे हुए हैं मतलब ऐसे। अब यहाँ का सीन दिखाती हूँ, देखो थोड़ा थोड़ा रेड होने लगेगा, सुंदर लग रहा है ना वैसे तो। एक बार ना जब मैंने फ्लाइट में गई थी, मैं कहीं पूना गई थी कि कहाँ गई थी ऑफिस विजिट से, तो वहाँ पर ना ऐसा ही मौसम था, मतलब बादलों में दिख रहा था थोड़ा, शाम की वैसी फ्लाइट थी तो ऐसा लग रहा था प्लेन जाता हुआ, और यहाँ बिजली कड़क रही थी, मुझे डर सा लग रहा था। देखो मुझे लग रहा है इंद्रधनुष निकला हुआ है ना भाभी, ये इंद्रधनुष निकला हुआ है क्या? ऐसे कलर्स तो ऐसे ही आ रहे हैं, देखो क्या होता है ना तो मेरे बच्चे मुझे आवाज लगा रहे हैं, चाची चाची क्या कर रही हो? वो मैंने देख लिया था तू इसे बुलेट पे घुमा के लेके आया है। अब तो कल तो तेरी छुट्टी होगी, कल तो शटर डाउन है तेरी लाइब्रेरी का। ओए ओ बाबू, जूस पिलाया इसने, जूस भी पिया। किकाय का? अनानास का। आजा बाबू कुंडी लगा दे। तो अभी तक हमारी सब्जी बनी नहीं है, बन जाएगी तो हम जाएंगे नीचे और नीचे बनेगी पूरी। मेरी बाबू ना चुन्नू मेरी बहुत हेल्प कराती है, भाभी कम नहीं बोल रही, सारा दिन उसे देख। चुन्नू उसे कर लिया। अब हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं तो नहीं है। अब मुझे मंदिर जाना होता है तो फिर रागवी को ही देखना पड़ता है बाबू। अब देखो स्कूल जाएगी तो फिर मुझे ही संभालना है। आए मेरे दो बच्चे, ढाई बजे आएंगे। देख रहे हो कितनी खुशी देखो तुम, कि लड़ेंगे नहीं, स्कूल में बिजी रहेंगे, उसके बाद ये ट्यूशन जाएंगे। देखो देख क्या कर रहा है। चुन्नू पहले प्यारी कर मुझे आगे, मेरे बच्चे वो थोड़े से क्या मानेगा, वो बाबू मुंह में डाल के खाएगा, पेट दर्द करवाएगी क्या उसका? देख कोई अच्छा उसके पेट में दर्द हो कोई बात नहीं, इधर आ पहले मुझे एक प्यारी कर मेरे बच्चा। और ना गुस्सा नहीं होया कर, तोड़ दूंगी वरना तुझे, तेरे जैसे बच्चे। अरे 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 चुन्नू पकड़, शैतान है ये, ये चिल्लाते ऐसे ना जाने क्या हो गया। भाभी ने तैयार कर दी पूड़ी, अब हमारा खाना बन गया है, तुम खा लो पहले, मैं बना देती थोड़ी। तुमने बना तो दी, व्रत खोल लो ना, तुम पूजा कर रही है। अच्छा उनके साथ ही खोलोगी? हाँ पूजा कर रही है, व्रत खोल लो पहले, मैं बना दूंगी दो चार। देरी में डाल रही हूँ। आजा चल अंदर, अंदर चल तू। बाबू आराम से, और बाबियों को तो अपनी नींद की होली भी सुना दिया, तो वो खाने बनाने में बिजी थे, इतना पलंग नहीं लगाया उन्होंने। क्या कर रहे हैं बाबू? इसे देख मैं आ रही हूँ अभी, है नीचे से। तो क्या खा रहे हो आप? आपने हमें हैप्पी होली नहीं बोला, खा लो कचरी। किसे लगाने गई थी तुम? आंटी से आ रखी है कोई हो ना यार? नो आंटी, तो ये लड्डू चाय पी रहे हैं होली वाले दिन, होली का रंग लग चुका है, इन्हें टीके ही लगाए, ऊपर देखना बच्चों ने क्या हाल कर रखा है।
इतनी बुरी तरह एक दूसरे को होली में रख लिया। बहुत तो भी खेली होगी हमने ऐसी होली जैसे बच्चे खेल रहे हैं। मैं और मेरे बाबू ने तो कपड़े बदल लिए। ऐसे क्यों कर रही है लोग? ये तो बाल्टी भर भर के ऊपर से फेंक रहे पानी। मैं तो बाबू को लेके बैठी है। हाँ क्या हो रहा है? ईशा जी क्या कर रहे हो आप? मैं तुम्हारी क्या गुब्बारे वाले ला रही है? भाई भाई टंकी में लगा के बस ये रपट के ना गिर जाए। हाँ भाग भाग के मत गिर जाना बच्चों। मेरे बाबू अलग ही खेल रहा है कोई। हम तो आराम से बैठेंगे, हम तो मम्मम खेलेंगे। मेरे बाबू को ना एलर्जी सी हो गई, रंग लगाते खुजली होने लगी, फिर मैंने इसको हिला दुला के बिठा दिया। अब ये यही थोड़ा सा खेल रहा है तो टाइम सा पास हो जाए। और अभी तो बस 9:30 हुए हैं, पता नहीं टाइम कैसे बीतेगा। बहुत ऐसा लग रहा है कि क्योंकि हम सुबह 7 बजे ही उठ गए थे ना, वैसे तो 7 से पहले ही इसने उठा दिया था, बार बार उठे जा रहा था। और अब हमारे घर में खाना बनेगा जिसमें कि मेन हमारी जो है दही बल्ले बन रहे हैं। हाँ ये ऐसे ही कर रहे हैं, यह आइडिया दे रही है बच्चों को कि राख डाल के खेलो, ये सब करके खेलो। बाबू आराम से गिर मत जाना बस। अरे भाभी ने बनाने चालू कर दिए बड़े और मैंने इनकी वीडियो भी नहीं बनाई। तो ये बन रहे दाल बड़े, क्या चने की दाल बड़े? ये चने की दाल के बनाए, मूंग की नहीं? मूंग की के भी है। मिक्स कर दी मतलब दाल नहीं अलग है, ये अलग अब हम खाएंगे दाल बड़े। और ये बच्चों क्या कर रहे हो तुम डॉगी के साथ? इसके मुंह में हाथ मत डलवाना प्लीज। सुई काई की? अच्छा वो जो उसके कीड़े ना हो है। अब हम खाएंगे सभी दाल बड़े, थोड़ी देर में दाल बड़े बन जाएंगे। बाबू कैसे कूद रहे हो आप मम्मी पे हैं? और इन्होंने खूब होली खेली आज। अरे वाह, मैं तो सो गई थी बाबू को लेके ना, भाभी ने जगा दिया एकदम से, लाइट जलाई और बाबू भी जाग गया। और मैं तो पता नहीं, मेरे को नींद नहीं आ रही थी पर फिर भी नींद की अवस्था में चली गई थी और सर भारी भारी सा लगने लगा। यहाँ साफ करके सफाई हो रही थी, तो ये इन्होंने बरामदा साफ कर दिया। यहाँ होली खेल रहे थे तो गंदगी हो रही थी, ये बता रही है। पीछे बहुत ज्यादा म्यूजिक बज रहा है इसलिए बंद कर दियो अभी वीडियो। तो फ्रेंड्स अब हो गई शाम, शाम के छः बजे भी कितना उजाला है। और नीचे बन रहे समोसे, मैं फोन ऊपर रख के भूल आई थी। चलो चलो नीचे देखे। हाँ जी बोलो। तो बाबू इसको ध्यान रखो थोड़ी देर, ये तो भागते ही रहते हैं। हम जा रहे हैं जहाँ समोसे बनाए जा रहे हैं, हैंडमेड समोसा विदाउट एनी मसाला। हाँ समोसे जैसी शक्ल की बना रखी आपने, बताएंगे कुछ ना? आपने बिंदी लगा रखी, ना लिपस्टिक लगा रखी, ना मुंह धोया। और आप सखी, हमने आपको ऊपर से नीचे तक दिखाया ना, तो इन्होंने बिंदी लगा रखी है, इन्होंने तो लगा रखी है, ना लिपस्टिक लगा रखी है। लड़की को क्या हो गया? अभी तो आई है वो जिम में से। अरे ठीक हो जाएगी, क्या बताओ? हाँ कर रहा होगा। कब तक मरेंगे? 2-3 दिन। हाँ जरूर, चल बेकार की बातें ना करो, सब समोसे खिलाओ तुम उसे बना के। तो भाभी फटाफट समोसे बना रही है और मैं जिम साफ करके आई हूँ। अब पता है आज मैंने पहली बार इतना काम किया जिम में, सारे शीशे साफ कर दिए और 2-3 मशीनें साफ कर दी जिसमें कि मैं ढह गई। फिर जिम साफ करने वाली आ गई। हाँ जी आप प्राची जी सही नहीं है आपकी तबीयत बताइए? वैसे तो आप शरीर में ठीक लग रही है। मैदा लाई थी तो पन्नी थी ना उस मैदा में। क्या करना है पन्नी का? पन्नी आपको तबीयत को क्या आ रहा है? इतनी ब्यूटीफुल लग रही है आज, देखिए बिल्कुल अंगूरी भाभी लगती है। इसकी शक्ल देखो, दांतों में हंसी देखो इसकी, स्माइल। चाची क्या? चाची ठीक कह रही है। मैदा वाली पन्नी बिल्कुल छोटी है, तुम गोल मोली सी छोटी भी ऐसी है ना भाभी, है ना छोटी का शरीर इसके जैसा। मैं क्यूटी पाई है नी छोटी, जिसके बारे में बात कर रही थी ईशा की। ईशा और ये दोनों एक जैसी है शरीर में। क्या खाना है? गोलगप्पे? मिठाई। मिठाई? एक काम करो, सोनू पापा के पास काजू कतली रखी है, ले लो प्लीज जाके। चलो कहो काजू की बर्फी दे देना सोनू पापा। जाओ
माँ जी के पास रसगुल्ले रखे हैं, लेके आओ देंगे, क्यों नहीं देंगे। ये हमारी किचन देखो, आप देख के बताना कि ये बढ़िया है या मेरी बढ़िया है। वैसे यहाँ ना उजाला आता है तो ये सुंदर है, क्योंकि यहाँ टाइल्स भी अलग लगी है। मेरी किचन सिंपल सी लगती है और लाइटिंग थोड़ी कम है ना, तो डल सी लगती है। और अभी हम बस ना रात को भी ये लोग पेट फुलाने वाले आइटम बना रहे। सुनो, मुझे नहीं पता, थोड़ी सी पकौड़ी बना के खिलाओगी यार। और बोबो ने भी कहा काले रसगुल्ले सोनू पापा के पास रखे। बाबू जाओ। अरे यस रखे, मैं झूठ क्यों कहूंगी। मैं कहाँ से दिलाऊं, सोनू पापा ना मेरे बीच वाले जेठ है, वो इसे डांट देते हैं। मजाक में तो ये बुरा मान जाती है, इसलिए मैं उन्हीं के पास भेज रही हूँ इन्हें कि जा उनसे ले ले, जा देख उसको दे रहे, देख तो सही। ये अब समोसे खाएगी और बाकी हम बाद में करेंगे, समोसे बन जाएगी जब। समोसे हो गए हमारे तैयार। क्यों मालकिन और जिम मालकिन, पकौड़ी खिलाओगी? मैंने पहले ही तुमने वादा दे कर दिया है, वादा कर ले साजना। कौन सा गाना? टिन टिन। तुम गाओ अपनी बारीक सी आवाज में, भाभी सुनाओ गाना एक दो। ऐसी क्यों थकी थकी हो रही हो यार, आज होली है, होली भी नहीं खेली अपने हस्बैंड के साथ और थकी थकी हो रही है। मैंने तो खूब खेली है उनके साथ होली, अभी जाके जिम में सफाई करा के होली तो खेल रहे थे बाथरूम में लेटरिन में। ये ना पहले समोसे बना देते हैं ऐसे और फिर उन्हें सजा देंगे, मतलब कि तलते हो बाद में, है ना। एक साथ ही क्या ले आई है कुरकुरे, मुझे भी एक दियो। मैंने नहीं लिए, हाँ तो एक मुझे दे दे। क्या खा रही है, एक दे दो बच्चों। अरे ये नहीं खाना मुझे, ठीक ठीक ले ले, मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे को कुरकुरे पसंद है बस। तो चलो भाभी समोसे पकौड़ी बनाओ दो चार जल्दी, ऑर्डर है, दिस इज माई ऑर्डर एट योर होम। ये देखो हमारे बस की ना कुछ भी हमारे बस की मेरे को इतनी पकौड़ी कहाँ खानी भाभी, दो चार समोसे वमोसे सब रेडी हो गए, अब हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आप व्रत खोलिए अपना, दीदी जी आप मीठा खाएंगी और भाभी ने दही बल्ले भी बनाए जो भैया ने छोड़ दिए, खाली खाली भरी हुई थी ना, ये सूखे सूखे हमारे गले में अटक रहे हैं, इसमें दही कम हो गई। वैसे है मठा हमारे पास, ऐसी बात नहीं, दही कम हो गई है। मीठी थोड़ी मीठे लोगों के लिए स्वाद, जिनके सोमवार के व्रत है। तो बस होली मन गई हमारी आज की। तो अभी पता नहीं अचानक से मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरी तबीयत अभी ख़राब हो गई है, तो मैं थोड़ा आराम करूँगी। और पता नहीं अचानक से शाम को आके ही ना मेरे पेट में ऐसा लगा कि नाव निकल गई है दोबारा से। और पहले से ना बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले होंगे जिसमें हमेशा ही मेरे को पेट दर्द की शिकायत रही है। और आज ना मैंने 3-4 दिन पहले वजन उठा लिया था, थोड़ी सी लियाँ ऊपर छत पे रख दी थी, जिसकी वजह से ना मेरे को लगता है फिर से पेट दर्द चालू होने लगा है। और इतने दिनों में तो ठीक हुआ था और फिर मैंने अपने साथ ऐसा कर दिया। और अब शाम को बस जिम में से मैं उतर के आई और मैंने ना वो स्ट्रेचिंग तो करी, वो जो लटकने वाला होता है उससे तो नहीं होना चाहिए, नाव आपका लोहा वगैरह उठाने से होना चाहिए, पता नहीं खिंचाव से इतना ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे। हाँ जी बाबू तुम लोग आराम कर लो। तो होली मन गई बच्चों आप सभी की, जल्दी खत्म भी हो गई बताओ। जिनको तो बस ऐसा है कि 2-3 दिन होली चलती रहे। मेरी भांजी, कल मेरा भाग, मेरी तो मेहंदी की ऐसी है, कल मेरा पू, मेहंदी का नाम क्या है, मेरी टट्टी, बस मेरा लोवर। ओए गंदी बात नहीं करनी, ठीक है? जो गंदी बात अगर ऐसे करी ना तो पिटाई होगी आपकी। कितने गंदी गंदे हो आप है बच्चे। ये ब्लॉग यही एंड होता है, मैं कल मिलूंगी आपसे ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। प्लीज मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, बच्चों की बात को इग्नोर कर देना। टाटा बाय बाय, प्लीज।